नहीं सकते हैं। जय जय, मैं अधिक ना कह करके जय जय श्री राम, जय जय हो, जय हो। भावनाएं हृदय से जब आंखों तक आती है तो यही स्थिति बन जाती है। आइए, मैं आदरणीय सिक्का जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, श्याम सुंदर सिक्का जी से आप आए और चंद शब्दों में आप भी अपने दिल की बात हमसे कहें। मैं आपका तालियों के लिए धन्यवाद कर रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रीत में गुरु जी को वंदना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महिमा, आप सभी सौभाग्यशाली हैं, वर्ष में 5 बार हम राम कथा और भागवत कथा सुनते हैं। हमारे कुछ साथी तो 200 बार सुन चुके हैं, 200 बार तो बड़े बड़े व्यास तो बड़े बड़े उन्होंने सुनी हुई है, लेकिन आज इस सप्ताह में जो कथा हुई है हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में, हमारी अपनी भाषा जिसमें हम समझ पाते हैं, उसमें अपने पता है, पिता माता पिता को पता होता है बालक कौन सी भाषा समझता है, मातृभाषा है ना, माता से ही मिलती है। ऐसे गुरु महाराज हमारी भाषा को अच्छे से समझते हैं और उसी भाषा में उनको समझाते हैं। गुरु महाराज के इस बारे में तो आपने बहुत कुछ कह दिया, उस वक्त समय तो उतना ही दे रहे हैं, पीछे से इशारा कर सकते भाई, तो समय इतना ही है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आश्रम मैं बचपन से आता हूँ, माता जी हमें ले आते थे, उस वक्त हमें कुछ ज्ञान नहीं था, पूजा क्या है, पाठ क्या है, आश्रम क्या है, हमें तो ये पता है वहाँ जाते हैं हरिहर महाराज के दरबार, प्रसाद मिल जाता है, भगवती मिल जाती है, जय और ये बाबा की, तो गाते हुए घर आ रहे, बचपन से यही चला आता। लेकिन आश्रम संतों के हैं, आश्रम को संत ही चला सकते हैं। गृहस्थियों ने बड़े बड़े बना दिए, धर्मशालाएं बना दी, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना दिए, आपस में लड़ मरे, आज मैं प्रधान हूँ, कल तू फैक्ट्री है, परसों तू नीचे, कल मैं ऊपर, ये कुश्तियाँ उन्हें होती रही। लेकिन यहाँ दरबार में गुरु महाराज की कृपा होती है, गुरु जी का जो वाक्य होता है वो सबको प्रमाण होता है, इसलिए यहाँ पर एक छत्र एक छाया में सब चलता है। हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि आश्रम संतों ने चलाए हैं, संत ही चला सकते हैं, कोई बड़ा सा बड़ा गृहस्थ नहीं चला सकता। और संत में देखो कमी तो मेरे भी बहुत होंगी है, अब सुबह से शाम तक मैं 10 काम किए हैं तो 2 में गलती भी होंगी, आप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान दें, मेरे काम पर गलती तो वही करेगा जो काम कर रहा है, जिसे काम ही नहीं किया उसकी क्या गलती है, जिसे काम ही नहीं किया उसकी क्या गलती है। अभी सुशांत मुनि जी बोल रहे थे, संतों के मन की भावना आपने सुनी है, उनके मन में कितना दर्द है, क्यों है, हम गृहस्थी लोग आते हैं बिना सूचना दिए, जब मर्जी आ जाएं, जब आते हैं जब आगे क्या बनाया क्या नहीं, आपने क्या किया, ये तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कमियाँ निकालते, उन्होंने किस हालात में अपना घर बार छोड़ के यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या पाने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए आए हैं या हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। मुझे याद है एक बार जगदानंद जी महाराज दिल्ली दरबार में पधारे थे, उन्होंने जब वहाँ के देखा संतों की सेवा करते हुए, कहते वाह महाराज वाह गुरु संदास जी क्या आपकी कृपा है, जो संत सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति के लिए निकले हुए हैं वो सब गृहस्थियों की सेवा कर रहे हैं, ये देख महान कार्य है। तो हमें इस सब भावना का ध्यान रखना चाहिए, हमें यहाँ आकर अपने नियमों का जो बनते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, कम से कम टेलीफोन तो कर ही सकते हैं, हम कितने बजे आएंगे और कितने आदमी हैं हमारे साथ, उसके भोजन की व्यवस्था करनी है, 10-12 आदमी आएंगे, किसी ने आए हरिद्वार में गया मैं, उसके 15 आदमी रात को आ गए हैं और महाराज जी उसने भाग रहे हैं, चौकीदार को बुलाओ भंडारी को बुलाओ इनके लिए भंडार बनाओ, ठीक है ये सब आप समझते हैं, हमारी अपनी कमियाँ हैं, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी कमियों का ध्यान रखते हुए धन्यवाद। जय हो अब मैं श्याम सुंदर रेखी जी और जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, मैं आप सबकी ओर से पूरे गुप्ता परिवार की ओर से हमारी छोटी बिटिया शगुन गुप्ता जी से प्रार्थना कर रहा हूँ आप आए और आप भी हम सबकी ओर से कुछ शब्द कहें। ये गुड़िया LLB कर रही हैं, अभी बोलेगी तो जज के आगे भी बोल लेगी। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। मैं यही चाहती हूँ जो जो आपने इन कथाओं में सुना, जो जो भी महाराज जी ने आपको बताया, एक एक वर्ड उसका इतना ज्यादा कीमती है, इन सारी कथाओं के पीछे कुछ ना कुछ उनका मतलब होता है,
उनका जो मतलब होता है वो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि आपने यहाँ सुना बाहर जाके सब भूल गए। सब ये संत महात्मा सब से सुनाते हैं कि यहाँ सुना सब बोलते हैं, तो वो भी चीज़ मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ सुनाया वो बाहर जाके भूल गए। जैसे कि श्री कृष्ण जी लीलाएँ करते थे, ये सब करते थे, तो वो ये नहीं सोचते थे कि इंसान या बड़ा है या वो बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसका यही मतलब था कि वो सबके साथ सबको एक ही जैसा मानता है। ये नहीं है, भगवान ने एक इंसान बनाया, जात पात धर्म वर्म ये सब एक इंसान ने बनाया। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी को छोटा बड़ा ना समझे, और जो भी महाराज जी ने बोला है, जो भी इन कथाओं के जरिए जो भी आपको बोला है कि किसी की बुराइयाँ करना, ये करना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये ज़्यादातर होता ही रहता है, तो ये सब ना हो। तो अपनी खुश रहें, भगवान में पूरा मग्न रहें। भगवान की भक्ति मैं भी करती हूँ, लेकिन इतनी नहीं करती मैंने। आप लोगों ने मुझसे ज़्यादा कथाएँ सुनी है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सुना है, जो सुना है, लेकिन जो मुझे मैंने सुना है वो बहुत अच्छा था। और मैं यही चाहती हूँ कि वो जो आपने जितना मेरे से ज़्यादा, आप लोग मुझसे बड़े हो, आपने ज़्यादा वो होगी क्या होगी मतलब हाँ मुझसे ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस है, तो आप यही, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग उन सबको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ये नहीं कि अपने जीवन में ढालें, अमल करें, और बस यही बात है। और थैंक यू सो मच। सभी लोग बोल लिए। महाराज श्री कह रहे थे, गुरु महाराज व्यास पीठ पर बैठ के कह रहे थे, हमने तो जो कुछ सुना सीखा। मैं गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने बड़े कलाकारों को देख के मुझ जैसे तोतले की भी हिम्मत हो रही है। अगर आप आज्ञा दें तो कुछ लाइनों का एक भजन मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे ब्राह्मण देवताओं ने यहाँ पर मूल पाठ किया, जिन्होंने जाप किया, वो अपना सारा श्रेय जापों का महाराज श्री को देते हैं, ताकि महाराज श्री की और दिन दुनी रात चौगनी उन्नति इस बाबा हरिहर दरबार की हो। आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत छोटा सा चित्रण है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पावन चरणों में बैठ के कुछ कह रहा हूं। भगवान बांके बिहारी जी का आपने स्थान देखा होगा, लेकिन हिंदू के अलावा उनके मुस्लिम लोग भी रचिया थे, और एक मुसलमान भगवान कृष्ण जी की तस्वीर को देख के इतना मोहित हुआ, वो उनके शरीर के रूप के वर्णन कर रहा है, लेकिन उसने देखा उनके पैरों में जूता नहीं है, तो वो पान वाले से बोला, ये कौन है भैया, कहाँ रहते हैं, क्या? उन्होंने कहा, भाई ये वृंदावन रहते हैं। बोले, इनके पैरों में जूता क्यों नहीं है? वो परेशान हो गया, बोले जाओ और खुद जूता पहना दो। तो उसकी भक्ति ऐसी थी, उसका नाम था रसखान जी, और वो वृंदावन धाम आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को जूता पहनाया। आइए, छोटा सा चित्रण है, मैं इस भजन का श्री महाराज जी के पावन चरणों में समर्पित करूंगा। एक पठान था पांच नमाजी, काबुल में जो रहता था, दीन सलाम को मानने वाला, खुद को मोमिन कहता था। एक पठान था पांच नमाजी, काबुल में जो रहता था, दीन सलाम को मानने वाला, खुद को मोमिन कहता था। उसी शहर के चौक में थी एक बड़ी दुकान पनवाड़ी की, आतंकद शीशे के ऊपर फोटो लगी मुरारी की, घूमता घूमता उसी दुकान पर लेने को वो पान तयाया, जहाँ लगी तस्वीर थी उसके सामने वो रस ठान आया। किसकी है तस्वीर बताइए, पनवाड़ी से कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, मोमिन कहता था। भोली भाली सूरत इसकी, जिसका हुआ दीवाना में, आंखों में लाखों पैमाने, भूल गया मैं खाना में, हुस्न के सांचे में कुदरत ने खुद इस खुद को ढाला है, नाजुक फूलों से पाँव में
जूता क्यों ना डाला है, जूता क्यों ना डाला है, जूता जूता डाला है। पूछ रहा था उससे और आंखों से पानी बहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था। दे दे ये तस्वीर तू मुझको, इसको साथ ले जाऊंगा मैं, कहाँ है रहता ये भी बता दे, जूता इसे पहनाऊंगा मैं। पान फरोश ने कहा यहाँ से सूर्य वृंदावन रहता है, मथुरा के नजदीक जहाँ पर जमुना जी का जल बहता है, जमुना का जल बहता है, जमुना जी का जल बहता है। इस मथुरा में कंस बादशाह मामू इसका रहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था। एक बगल तस्वीर यार की, एक बगल में जूता लिया, चल दिया अपने घर से आशिक, और फिर लंबा सफर किया, जा पहुंचा वृंदावन वन में मनमोहन का ध्यान किए, अपने महबूब को पहनाने को हाथों में बौदार दिए, हाथों में बौदार दिए, हाथों में बौदार दिए। कहाँ है घर इसका वो सबको फोटो दिखा कर कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था। पागल समझ के उसकी दुनिया वाले हंसी उड़ाते थे, बच्चे बूढ़े नौजवान उस पर पत्थर बरसाते थे, लेकिन उस रस खान के दिल में आस उस यार से मिलने की थी, खबर न कोई दीवाने को गिरने और संभलने की थी, गिरने और संभलने की थी, गिरने और संभलने की थी। दुनिया वालों के पत्थर वो फूल समझ कर सहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था। पूछता पूछता पहुंच गया जहां बांके बिहारी का मंदिर था, उसके दिल को चुराने वाला रहता जिसके अंदर था, आने जाने वालों से पूछ कोई ये मुझे बताएगा, जिसको मिलने आया हूँ मैं कब वो बाहर आएगा, कब वो बाहर आएगा, कब वो बाहर आएगा। बात ना उसकी समझे कोई पशकों में जो कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था। अंदर जाने देना उसको, वहां के जो अधिकारी थे संगदिली और बेरहम, वहां के पंडित और पुजारी थे, मंदिर के अंदर क्या इसको चौखट तक ना आने दो, दीवाना है दीवारों से सर इसको टकराने दो, सर इसको टकराने दो, सर
इसको टकराने दो, ना जाए तो फेंक दो इसे, उठा के पुजारी कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, तुझको मोमिन कहता था, तुझको मोमिन कहता था, धर्म के ठेकेदारों ने उसको ना दर्द मिटाने दिया, जलने वाले परवाने को क्षमा के पास ना आने दिया, लेकिन उसका प्यार था सच्चा, आशिक वो दिलदार का था, वो तो चल कर आया सुन के चर्चा कृष्ण मुरार का था, चर्चा कृष्ण मुरार का था, वो चर्चा कृष्ण मुरार का था, एक बार मैं देख लूँ उसको बार बार वो कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, धक्के पत्थर गालियां खाकर कुछ ही कदम वो दूर हुआ, एक तरफ रास्ते से हटकर बैठने को मजबूर हुआ, फोटो शाम के सामने रख कर करने लगा वो प्यार की बातें, गुजर गए ऐसे ही उसके कितने दिन और कितनी रातें, कितने दिन और कितनी रातें, कितने दिन और कितनी रातें, दिन की गर्मी रात की सर्दी हंस हंस कर वो सहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, और अंत में क्या कहा है, भूखा प्यासा रहने वाला आशिक था दम तोड़ रहा, पिंजरे में बंद सांस का पंछी पिंजरे को था छोड़ रहा, जान लबों पर आई उसके तब सजदा मंजूर हुआ, खुद उस तक चल कर आने को मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ, मनमोहन मजबूर हुआ, उठो निकालो जूता पहनाओ उसे मुरारी कहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता था, और कहा कृष्ण ने अपने दिल के पूरे तुम अरमान करो, खड़ा हूँ सामने अब कोई संकोच न तुम रस खान करो, गिर गया मूसा देख के जलवा लेकिन वो था संभल गया, इश्क हकीकी इश्क मजाकी इश्क हकीकी की सूरत में बदल गया, की सूरत में बदल गया, सूरत में बदल गया, आंखों के शीशों से देखा कौन, वो जो पान वाले की दुकान पे देखा था, आंखों के शीशों से देखा शीशे में जो रहता था, दीन इस्लाम को मानने वाला खुद को मोमिन कहता था, खुद को मोमिन कहता